हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बालों की प्रॉब्लम को लेकर हम सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, लाइक हेयर लॉस प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम और डैंड्रफ प्रॉब्लम। सो आई एम हियर टुडे विद एन इजी सॉल्यूशन व्हिच विल श्योरली हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ मैंने कढ़ाई पे पानी ले लिया है, आप पानी की क्वांटिटी देख सकते हो। फ्लेम भी मैंने हाई रखा है ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। एक कटोरी ले लीजिए, उसको पानी के ऊपर अच्छे से प्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा गर्म होने के बाद आप इसमें आपके पसंद के कोई भी कोकोनट ऑयल ले लीजिए। मैं शालीमार यूज़ कर रही हूँ, आप आपके पसंद के कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ करो, पर ध्यान रखो आपके पास अगर केमिकल फ्री ऑयल हो तो ही सबसे अच्छा है, क्योंकि केमिकल फ्री ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इतना ही ले रही हूँ, आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी ऐड करेंगे नीम लीव्स एंड चॉप्ड एलोवेरास। अगर आप ज़्यादा कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कम ले रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी कम कर देना। तो अभी हम इस कोकोनट ऑयल में एलोवेरा एंड नीम लीव्स अच्छे से डाल देंगे। इसके बाद हम एक नाइफ या फिर एक चम्मच के हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखें मिलाने के टाइम इसमें पानी ना चला जाए तो ही सबसे अच्छा है। धीरे धीरे आप ये मिलाने के बाद इसको ऐसे छोड़ दें 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ऑयल हो चुका है। फ्लेम मीडियम रखें और चलिए अभी स्ट्रेन करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो स्ट्रेन करेंगे हम इस कटोरी पे। तो ध्यान रखें जब आप ये स्ट्रेन कर रहे हो, ये कटोरी बहुत गर्म होती है एंड ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ध्यान रखें आपके हाथ में किसी भी तरीके से आपके हाथ जल ना जाए, लग ना जाए आपको। बहुत धीरे से करना ये आप, तो साइड में रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑयल तो रेडी हो चुका है और ये ऑयल देखने में कुछ ऐसा होगा। आपको जब भी ये यूज़ करना है तो आप थोड़ा सा गर्म करके उसको यूज़ कर सकते हो। आपकी आपको फिर से एलोवेरा या नीम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा गर्म करके यूज़ कर सकते हो। तो या आवर ऑयल इज़ रेडी। सो या इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने लिया कोकोनट ऑयल, एलोवेरा एंड नीम लीव्स। बेसिकली कोकोनट ऑयल इज अ नेचुरल वे विच हेल्प्स आवर हेयर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, फास्टर एंड थिकर। इट ऑल्सो नरिश आवर स्कैल्प एज वेल। एलोवेरा इज अ ग्रेट कंडीशनर फॉर आवर हेयर। इट ऑल्सो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड इट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ द इची स्कैल्प एंड डैंड्रफ। So also neem leaves is an excellent way to get rid of dandruff and itchy scalp, and also it encourages hair growth and it helps the hair follicles to become stronger. So if you are going to use this, then use it hot, because hot oil helps us to get shiny and straight hair, and also basically it's a therapy for our hair which will help us to get thick, long hair and strong hair as well. So use it 2 to 3 times in a week, not more than 2 times. So yeah, aaj ki video itna hi. If you guys like this video, then don't forget to give a thumbs up to this video and also let me know in the comment section below you guys find this video helpful or not. Share this with your friends, with your family, with your brothers, with your sisters, whoever you want, and also subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you will get the notification faster, and also follow me on Instagram. So yeah, milte hain next video pe. Till then, stay home, stay fit.